सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल जी। अज की वीडियो के थोड़ा बिल्कुल स्वागत है। तो अज आप जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जी डाइस। पटवारी के एग्जाम के उम्मीद करांगे कि डाइस मिले। डाइस के नाल रिलेटेड क्वेश्चन एक्चुअली मेरे इस टाइम माइंड च नहीं है। एक बार वेट, एक मिनट वेट करो। अज का टॉपिक रेलवे लिए इंपॉर्टेंट होएगा, प्लस पटवारी के एग्जाम के अगर इतों क्वेश्चन मिल जाता है तो वधिया गल है। मैं एक बार थोड़ा चैक करके दस दया हूँ कि पटवारी के एग्जाम के डाइट जिहड़ा है सिलेबस उस दे विच इन्होंने डाइस दिता है या नहीं दिता है। एक मिनट जी वेट करना, होल्ड ते एक मिनट वेट करो जी। पटवारी के एग्जाम के मेंटल एबिलिटी के सेंस हैगी है जी, ऑड मैन आउट है, अल्फाबेट सीरीज है, रैंकिंग एंड सीटिंग, डेट एंड कैलेंडर प्रॉब्लम है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन पजल है, ऑड मैन प्रॉब्लम्स है। ठीक है जी, मेरे ख्याल नाल उत्थों उस पेपर दे विच तां पटवारी दे विच तां इह टॉपिक थोनों उम्मीद करांगे, जिथों तक मेरा आइडिया है कि नहीं मिलेगा। सो ये टॉपिक आपां फिर फरदर रेलवे दे लई कर लैंदे आ, क्योंकि उस दे रिलेटड भी अपना कुछ ना कुछ चलदा ही रहिंदा है। सो स्टार्ट करते हैं जी फस्ट क्वेश्चन तो। ठीक है, ये वीडियो जी है पटवारी के एग्जाम के लिए तुसी नहीं कह सकते, बट फिर भी कुछ ना कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चेंजिस हो सभी सकती ने, इदा की गल नहीं है। सो उस दे अकॉर्डिंग बिल्कुल चेंजिस कुछ ना कुछ मिल भी सकती ने सिलेबस के, अगर नहीं भी मिलता तो किसी होर एग्जाम के लिए डाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो स्किप नहीं कर सकते आप। सो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फस्ट क्वेश्चन। फस्ट क्वेश्चन के देखो इतने तुम्हें की देखना होंगे है, इतने तुम्हें देखना होंगे है कॉमन नंबर, जितना इतने कॉमन दिख रहा थोड़ा, कॉमन की है सिक्स, इतने भी की है कॉमन सिक्स। तो पहला सब तो पहला की करना है, फस्ट स्टैप जेकर थोनू इदा दिता जाता है ध्यान देखो, सिर्फ एक कॉमन है, ध्यान देखो सिर्फ एक कॉमन है, जिदा छे कॉमन है इतने, तो इस साइड भी छे कॉमन है। इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि दो कॉमन होणगे तां कहानी बिल्कुल होर हो जाएगी, जेकर एक कॉमन है फिर ध्यान रखना है फिर किवें इस क्वेश्चन नूं करांगे। जेकर एक कॉमन है उस नंबर तो स्टार्ट करना है जिहड़ा दोनों दे विच कॉमन है, जिदा इत्थों छे कॉमन है, इत्थों चलांगे आपां क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच, ते इत्थों चलांगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच। तां क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे विच चलना है जी, बिल्कुल स्टैप क्लीयर हो चुका है, कॉमन जिहड़ा नंबर है उत्थों चलना है। जिदा इत्थों लिखांगे इस टाइप, पहले क्वेश्चन नूं किदां सॉल्व करांगे पुछिया की है बाद च देखते हैं, पहला सिक्स, सिक्स तो बाद आया जी अपना टू, टू तो बाद आया थ्री, सॉरी टू तो बाद आया वन। इस तरीके नाल दूजे डाइस की गल करते हैं, पहला आया जी अपने कोल सिक्स, फिर आया अपने कोल फोर, तो फिर आया वन। हुण देखो जाता इतों दो कॉमन सीगे, सॉरी वन वन एंड सिक्स दोनों कॉमन सीगे, तो इतों ये भी मैथड लिखा जा सकता है, किसी भी कॉमन नूं लेके चल सकते हो। सो है हुंदा की है बेसिकली, जो दो कॉमन आ जाते हैं या एक कॉमन हुंदा है तो तुसीं क्लॉकवाइज चलना हुंदा है। वैसे दो कॉमन का तो सीधा जिहा लॉजिक है, जेकर दो कॉमन मिल जाते हैं जिदा इतने सिक्स भी कॉमन सी तो वन भी कॉमन सी, मैं ध्यान नहीं दिता सॉरी, तो इतने भी सिक्स तो वन कॉमन है, जिहड़ा तीसरा दिखता हुंदा है, तीसरा नंबर दिखता है वह एक दूजे के ओपोजिट हुंदे ने, जिदा मतलब ये दो है तो उसके ओपोजिट ऑब्वियसली फोर होएगा। इतों भी तुम मैथड देख सकते हो, जिहड़ा मैथड आपां दस्सिया है उस दे विच भी इदी हुंदा है कि इतों देख सकते हो, इतों एक दूजे का ये तो कॉमन ही हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो जिहड़े नंबर बाकी बचते हैं जिदा इतने दो ते चार बाकी बचते हैं, ਇਹ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਨ ਸਿਕਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਬੋਟਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਛੇ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਟੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
देखो एक तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तो की है, एक तो साइड पर है जी, देखो छे दे साइड पर एक है, दूसरी चीज़ देखो छे दी साइड पर ही दो है, ठीक है, छे दी साइड पर ही दो भी है। तो इतों क्वेश्चन दे कंसैप्ट ही बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन ने बिल्कुल अलग चीज़ पूछी हुई है, मनु लगे शायद ओपोजिट पूछा होएगा, बट उन्हें कंसैप्ट ही ये पूछ लिया कि ओपोजिट छे दे की होएगा। ठीक है जी, छे दे ओपोजिट जदों छे बॉटम ते होएगा तो टॉप दे की होएगा। देखो हुण कंसैप्ट ही अलग है, छे दे साइड ते एक है, मतलब अगर छे नीचे होएगा तो टॉप दे उत्ते एक नहीं हो सकता। तो पहला क्वेश्चन नूं भी आपां कई बार रीड करना चाहिए, क्वेश्चन दे विच कुछ होर पूछा हुंदा है। सो दो दी गल करते हैं, दो भी साइड दे उत्ते है, देखो इत्थे तां मतलब जेकर ये सिक्स बॉटम दे उत्ते जाएगा तो दो टॉप दे उत्ते नहीं आ सकता। थर्ड क्वेश्चन की गल करते हैं, थर्ड दे विच थर्ड ऑप्शन की फोर भी देखो साइड दे उत्ते दिता होया है, दूसरे डायग्राम दे विच दो पोजिशन दित्तियां होईयां ने ना क्वेश्चन दे विच, तां सी ऑप्शन जिहड़ा है सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा क्योंकि फोर भी साइड दे उत्ते है। तो आपां फाइव बारे कोई आइडिया नहीं है, ओबियसली इको ही ऑप्शन बचिया है, तो आपां फाइव के बारे कोई आइडिया है भी नहीं है इस क्वेश्चन दे विच, तां फाइव इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बट जेकर इस क्वेश्चन दे विच ये पूछा हुंदा कि दो दे ओपोजिट केड़ा नंबर होएगा, तो दो दे ओपोजिट जिहड़ा है वह चार नंबर होएगा, या दो डॉट्स के ओपोजिट चार डॉट्स होणगे, क्योंकि जदों दो कॉमनस मिल गए, देखो दो कॉमन केड़े ने सिक्स एंड वन, ये दो कॉमन ने, तो जिहड़ा तीसरा नंबर होएगा तीसरा इत्थे विजिबल होएगा वह एक दूजे दे ओपोजिट होएगा। अपना क्लॉकवाइज वाला कंसैप्ट भी यूज़ किया, भी काफ़ी क्वेश्चन के यूज़ होएगा, बट इस क्वेश्चन के कंसैप्ट ना उन्होंने ओपोजिट पूछा, उन्होंने सिक्स के ओपोजिट पूछा कि सिक्स बॉटम से होएगा तो टॉप के उत्ते केड़ा होएगा। तो देखो वन टू एंड फोर ये साइड के उत्ते आ रहे हैं, इन्हां दे विच्चों कोई नहीं पॉसीबल, तो आम जी गल है कि बाकी जो बचेगा या तो फाइव बचेगा या थ्री बचेगा, थ्री ऑप्शन दे विच अवेलेबल नहीं है। सो इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर बनेगा थोड़ा फाइव, मेरे ख्याल में क्लीयर हो गया होएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन दे विच। गल करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन दे उत्ते थोड़े लैफ्ट साइड से आएगा, जिदा थोनू पता ही है, टू पोजिशन ऑफ अ ब्लॉक, ब्लॉक मतलब डाइस, ठीक है जी, तो डाइस दियां दो पोजिशनज गिवन ने, तो पोजिशनज केड़ियां गिवन ने ध्यान दे नाल देखने हैं, दो पोजिशन ये ने सैकेंड क्वेश्चन, ठीक है जी, एक पोजिशन ए गिवन है दूसरी पोजिशन ए गिवन है, आपां नूं पुछिया की है, हुण ये देखते हैं वैन टू इज, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन सॉरी अगे स्टार्ट हो जाएगा, वैन टू इज एट द बॉटम विच नंबर विल बी एट टॉप। कह रहे हैं जदों दो जिहड़ा है वह बॉटम के उत्ते है तो टॉप के उत्ते की होएगा। ठीक है देखो इस दे विच की है, इस क्वेश्चन दे विच देखो तीनों जो ने एक दूजे के बिल्कुल ओपोजिट ने, इतों आइडिया नहीं लग सकता एग्जैक्टली, मैं थोनों दसदा इतों की करांगे। इस क्वेश्चन दे विच देखो जदों अपना कोई भी कॉमन नहीं है, मेरे ख्याल नाल इतों ऑप्शन नंबर बनेगा डी, क्योंकि आपां आइडिया नहीं लगा सकते जदों तक आपां नूं कोई भी एक कॉमन जिहड़ा है वह कॉमन फेस नहीं दिता जाता। देखो इस क्वेश्चन दे विच की है, इत्थे सिक्स दिता होया है, इत्थे थ्री दिता होया है, इत्थे फोर दिता होया, ठीक है जी, सिक्स थ्री फोर, इस क्वेश्चन दे विच फाइव वन टू, तो मतलब इन्हां दे विच कुछ कॉमन नहीं है, जदों भी दोनों डाइसिस दे विच कुछ कॉमन नहीं है तो आपां इह गैस नहीं लगा सकते। बिल्कुल जी बिल्कुल गैस नहीं लगाया जा सकता कि दो दे ओपोजिट केड़ा नंबर आएगा। एक बार कन्फर्म कर लैंदे आ, जाके नीचे चलते हैं जी स्क्रीन दे उत्ते, क्योंकि इस क्वेश्चन दे विच आइडिया नहीं लगाया जा सकता। सो दूसरा क्वेश्चन सीगा जी, नीचे चलते हैं तो आंसर अपना चैक करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कंसैप्ट बिल्डर, क्योंकि डाइस दे बहुत क्वेश्चन ने, क्यूब एंड डाइस कंसैप्ट एप्लीकेटर।
नंबर थ्री इज कॉमन इन बोथ फिगर्स, नंबर थ्री इज कॉमन इन बोथ फिगर्स। तो बच्चे इतने लिखा हुआ कि फिगर दे विच कॉमन नंबर दिता हुआ है नंबर थ्री, तो नंबर थ्री दे विच तां कोई क्वेश्चन गिवन सॉरी क्वेश्चन नंबर टू दे विच कंसैप्ट एप्लीकेटर। सो एक होर चीज़ देखने को मिली सी, कल भी ये मैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की वीडियो एक स्टार्ट की सी, उस दे विच भी ये प्रॉब्लम आई सी। प्रॉब्लम की सी कि जो कॉमन जो क्वेश्चन है उस दे विच की है क्वेश्चन दे विच एरर्स ने। सो इस क्वेश्चन दे विच भी तुसी देख सकते हो कि क्वेश्चन दे सोल्यूशन दे विच लिखा हुआ है कि थ्री कॉमन है, पर तुसी डायग्राम दे विच देखोगे इत्थे तुहानूं थ्री कॉमन किते भी नहीं मिलेगा। सो क्वेश्चन नूं मैं डायग्राम दे अकॉर्डिंग सॉल्व करांगा। हुण एसी देखो इत्थे की है, सैकेंड क्वेश्चन ध्यान दे नाल देखो, मैं आंसर दे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा। इत्थे सिक्स गिवन है, इत्थे फोर गिवन है, तो इत्थे थ्री गिवन है, उस तो बाद इत्थे फाइव गिवन है, इत्थे टू गिवन है, तो इत्थे वन गिवन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं ऑप्शन नंबर डी दे नाल जावांगा क्योंकि मैं कल भी चीज़ देख चुका हाँ, कल भी एक वीडियो मैं काउंटिंग ऑफ दी स्टार्ट की सी, काउंटिंग ऑफ रिकटेंगल ट्रैंगल, बट उत्थे भी की सी, उत्थे भी आंसर्स दे विच प्रॉब्लम सीगी, बुक दे विच क्वेश्चंस कुछ होर ने, आंसर्स कुछ होर ने। सो सैकेंड ऑप्शन आंसर बनेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन बिकॉज कुछ भी दोनों डाइसिस दे विच कॉमन नहीं है, किसी भी तरीके ना डाइसिस नू क्रॉस वगैरह करके जोड़िया जा सकता है। सो मैं इस ते ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करांगा, कुछ कॉमन नहीं है मतलब वी कैनॉट डिटरमाइन के केड़ा फेस किसते ओपोजिट है, इस बारे जज नहीं किया जा सकता। गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की, नैक्सट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के उत्ते थोड़े आएगा, थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। हूँ थर्ड क्वेश्चन अपन कह रहा है द पोजिशन ऑफ अ ब्लॉक आर शोन इन फिगर बिलो। तो एक फिगर दिती हुई है, ठीक है जी, इत्थे अपन ये दो फिगर्स दित्तियां हुई ने, दिस इज़ फिगर नंबर वन, दिस इज़ फिगर नंबर टू, यह इक्को ब्लॉक दियां दो पोजिशनस ने। टू पोजिशनस ऑफ ब्लॉक आर शोन इन फिगर बिलो वैन टू डॉट्स इज एट बॉटम। कह रहा है जो दो डॉट बॉटम के उत्ते ने विच नंबर ऑफ डॉट्स विल बी एट द टॉप, तो टॉप के उत्ते पूछा किन्ने नंबर डॉट हो, किन्ने डॉट आने। सो ये क्वेश्चन के विच हुण तुसी देखो ध्यान दे नाल, इत्थे वन गिवन है, इत्थे थ्री गिवन है, तो इत्थे फाइव गिवन है, इत्थे फोर गिवन है, वन गिवन है, तो टू गिवन है, इत्थे एक आपां नूं कॉमन मिलिया है, शुक्र है, शुक्र है जी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपां नूं वधिया चलो मिलिया है। इत्थे कॉमन की है वन, इत्थे भी कॉमन की है वन, मैं दस्सिया सी जदों एक कॉमन मिल जाएगा फिर आपां उत्थों चलांगे क्लॉकवाइज, उस एक तो क्लॉकवाइज मूव करांगे इस डायरेक्शन दे विच, इत्थे भी इदां ही एक एक तो क्लॉकवाइज मूव करांगे। लाइक जिद्दां हुण मैं इत्थे सॉल्व करांगा क्वेश्चन नूं, तां पहले डाइस की पोजिशन आ जाएगी वन, फिर आ जाएगा थ्री, एंड दैन आ जाएगा जी फाइव। इन द सेम वे यू कैन राइट द वैल्यूज फॉर सैकेंड डाइस, सैकेंड डाइस दे लई की आ जाएगा एक, फिर नैक्सट वैल्यू आ जाएगी दो, तो नैक्सट आ जाएगा जी चार। सो आई थिंक इन्ना ही अपना करना है, उस तो बाद इन्हां दे पेयर्स बन जाएंगे, मीनस तीन जो है वह दो दे ओपोजिट बन जाएगा, कि तीन जितों दो अते तीन एक दूसरे दे ओपोजिट आएंगे, पांच ते चार एक दूसरे दे ओपोजिट आएंगे। तो इतों अगर तुम ध्यान दोगे तो वन के ओपोजिट भी कुछ बन जाएगा, वन के ओपोजिट की बनेगा, वन के ओपोजिट जिहड़ा नंबर बाकी बचा है सिक्स, वन के ओपोजिट आ जाएगा। आपां नूं क्वेश्चन दे विच की पूछा है, देखो क्वेश्चन दे विच आपां नूं पूछा गया है, क्वेश्चन दे विच की पूछा गया है जदों दो डॉट्स नीचे होणगे बॉटम के उत्ते तो टॉप दे की होएगा, मीनस दो दे ओपोजिट पूछा गया है, तो दो दे ओपोजिट जो दो डॉट्स टॉप बॉटम के उत्ते होंगे तो टॉप के उत्ते दो का ओपोजिट नंबर आएगा, दैट मीनस थ्री विल बी द आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन। तीजे क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पहला क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही आपां कीता है,
इस तो पहले क्वेश्चन दे विच भी कोई दिक्कत नहीं सीगी, बट सैकेंड क्वेश्चन दे विच थोड़ी जी स्टेटमेंट की प्रॉब्लम लगी सीगी, सो मैं उसनों थोनू दसता सीगा। तो नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो चुका है। नैक्सट क्वेश्चन स्क्रीन के उत्ते 4th क्वेश्चन लैफ्ट हैंड साइड से। सो 4th क्वेश्चन स्क्रीन के उत्ते थोड़े आ चुका है। सो 4th क्वेश्चन दे विच की करना है, देखो 4th क्वेश्चन अपन कह रहा है 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन। अच्छा 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो वैन वन इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम। तो स्टूडेंट्स इस दे विच देखो करना की हुंदा है, जदों तां एक कॉमन आ जाए फिर तो सिंपल जाए ये है कि आप क्लॉकवाइज चल जाने, जो दो कॉमन मिल जाए मैं थोड़ा पहला भी दसिया जिदा इतने 6 भी कॉमन है देखो तो 4 भी कॉमन है, दोनों फिग दोनों पोजिशन 6-4 कॉमन है, देखो इतने भी 6 कॉमन है तो इतने भी 4 कॉमन है। जो दो नंबर कॉमन मिल जाए, जदों दो नंबर कॉमन मिल जाए तो जो तीसरा नंबर है जिदा इतने 5 गीवन है तो इतने तीसरा नंबर की है 1। जो इदा थोनों मिल जाए तो जोड़ा 5 तो 1 हों एक दूजे के ओपोजिट आ जाएगा, जोड़ा 3rd नंबर बचेगा वह एक दूजे के की आ जाएगा ओपोजिट, मतलब 5 तो 1 एक दूजे के ओपोजिट हो गए। हूँ पूछा की है वैन 1 इज एट द टॉप, जो 1 जो है वह टॉप के उत्ते होएगा तो बॉटम के उत्ते की होएगा, देखो बॉटम के उत्ते उ होएगा जोड़ा 1 का ओपोजिट होएगा, सो 1 के ओपोजिट की है 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो इस तरह डाइस के क्वेश्चनस नूं तुसीं हैंडल करना है। मैं दोबारा दस रहा जो 1 नंबर कॉमन मिलेगा तो उस कॉमन नंबर तो स्टार्ट करके क्लॉकवाइज मूव करना है, बट जो इदा थोनों दो नंबर कॉमन मिल जाते हैं जिदा कि क्वेश्चन नंबर 4 के थोनों दो नंबर कॉमन मिले सके तो उस क्वेश्चन के जोड़ा तीसरा नंबर दिता होएगा वो एक दूसरे के ओपोजिट होएगा। सो इस तरीके आप 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। जेकर थोनों वीडियो यूजफुल लग रही है तो वीडियो नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो, तो बाकी जो क्लॉक का नैक्सट टॉपिक है मॉर्निंग दे विच आपां उस टॉपिक नूं कवर करांगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे उत्ते चलते हैं। बिल्कुल इदां दे क्वेश्चन जो ने रेलवे दे विच भी पूछे जाते हैं, बट पंजाब दे भी किसी एग्जाम दे विच इदां दे क्वेश्चन मिल सकते हैं, इदां दी गल नहीं है। 5th क्वेश्चन की गल करते हैं। 5th क्वेश्चन अपन की कह रहा है, हूँ फिफ्थ क्वेश्चन अपन कह रहा है कि 2 पोजिशन ऑफ डाइस आर शोन बिलो, तो 2 पोजिशन गिवन ने डाइस दिया, तो वैन 3 इज एट द टॉप विच नंबर विल बी एट द बॉटम। तो उदा का ही बिल्कुल क्वेश्चन है, अपन पूछा की है कि जदों टॉप 3 टॉप के उत्ते होएगा तो बॉटम से की होएगा, मतलब यही पूछा है कि 3 के ओपोजिट केड़ा नंबर आएगा। देखो इस दे विच 2 कॉमन मिल रहे ने, नहीं 1 कॉमन मिल रहा है, 6 दोनों फिगर्स दे विच कॉमन नंबर है 6। सो आपां 6 तो क्लॉकवाइज स्टार्ट कर दें, क्लॉकवाइज मीनस 6 तो इस साइड नूं जाना, ठीक है जी, इस तरह घूमना। सो 6 तो अगर आपां क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहला 6 आएगा, फिर 4 आएगा, दैन 5 आएगा, 6, 4 एंड 5। जेकर दूजी गल की जाए इतों स्टार्ट करते हैं सैकेंड फिगर के 6, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 आएगा, 6, 1 एंड 3। ये ट्रिक होंगी है जी, शॉर्टकट कह सकते हैं, इदा तुसी रोटेट करना है बना के तो तुसी देख नहीं सकते उत्थे क्यूब इदा डाइस। तो देखो इतने 4 ते 1 एक दूसरे के ओपोजिट आ जाएंगे, 5 एंड 3 एक दूसरे के ओपोजिट आ जाएंगे, जिहड़ी टर्म बचेगी हुण किहड़ा बचिया है 2 2 ते 6 एक दूसरे के ओपोजिट आ जाएंगे। क्वेश्चन दे विच तुहानू की पूछा गया है, हुण क्वेश्चन ते चलते हैं। वैन 3 इज एट द टॉप, जदों 3 टॉप के उत्ते होएगा तो 3 के ओपोजिट ऑबवियसली 5 आएगा, सो 5 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिहड़ा ये थोड़ा 5th क्वेश्चन सीगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो 5 इज द राइट आंसर आएगा, पहले 5 क्वेश्चन आप 20 मिनट के कर चुके हैं।
सो डाइस दे नाल रिलेटेड टॉपिक आप कर रहे हैं अज। जेकर वीडियो वधिया लगे तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब वीडियो नू भी जरूर करो ते चैनल नू भी जरूर करो। बाकी होर भी काफ़ी टॉपिक्स आप करते हैं पटवारी दे नाल रिलेटेड डेली। हाँ अज का जो टॉपिक आप डाइस कर रहे हैं ये मैं थोड़ा जा साइड तो एक पिक किया है तो रेलवे के लिए इस चीज़ तुम मन सकते हो रेलवे या एस एस सी के लिए डाइस टॉपिक जोड़ा है वह इंपोर्टेंट मनिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 विल बी देयर तो क्वेश्चन नंबर 6 की गल करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर 6 लैफ्ट साइड के उत्ते स्क्रीन दे थोड़े शो हो रहा है जी। ठीक है सो क्यूब्स एंड डाइसिस दे क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की गल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बिल्कुल स्क्रीन के उत्ते थोड़े लैफ्ट साइड के उत्ते आ चुका है। क्वेश्चन दे विच की पूछा है व्हाट नंबर इज ओपोजिट ऑफ 3 इन द फिगर शोन बिलो। तो दो फिगर एक डाइस दीयां दो फिगर्स गिवन ने थोनू यह पूछा है कि 3 के ओपोजिट कौन किहड़ा नंबर होएगा। सो कुछ क्वेश्चनस ने अपना जल्दी जल्दी क्विक रिकैप करके खत्म करांगे। इतों तुसी देख सकते हो नंबर कॉमन मिलेगा 2, 5, 6, 1, 4, 5 कॉमन मिल गया जी। सो 5 इतों कॉमन मिलिया 5 तो बाद जाना है अपना क्लॉकवाइज। जो 5 तो बाद क्लॉकवाइज जाऊँगे तो 5 तो बाद आएगा जी 6 फिर आएगा 2 5 तो बाद 6 6 तो बाद 2 सेम वे दे विच तुसी दूसरा करना है रोटेट 5 तो बाद क्लॉकवाइज। तो 5 तो बाद जो क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 तो बाद मिलेगा 1 तो फिर मिलेगा 4। हुण देखो क्वेश्चन दे विच की पूछा है क्वेश्चन दे विच पूछा है 3 दे ओपोजिट। हुण देखो 6 दे ओपोजिट 1 हो गया जी 6 दे ओपोजिट 1 हो जाएगा तो 2 दे ओपोजिट 4 आ जाएगा। 6 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇਗਾ 5 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ। 3 ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ 3 ਵਿਲ ਬੀ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ 3 ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ 3 ਤਾਂ ਫਿਰ 5 ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 1 ਸੀਗਾ 2 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 4 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 5 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 3 आएगा तो आंसर 3 के ओपोजिट पूछा तो 3 के ओपोजिट अपना आंसर आ जाएगा जी 5 और नंबर 5 विल बी ओपोजिट टू 3। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर 6th क्वेश्चन। जोड़ा 6वां क्वेश्चन है इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 5 विल बी द राइट आंसर 5 इज़ द नंबर ओपोजिट टू 3। तो 3 के ओपोजिट 5 नंबर आएगा। आई थिंक क्वेश्चन क्लीयर हो चुका है 6वां। नैक्सट क्वेश्चन के उत्ते चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि अज जी सीरीज शुरू हुई ने इस दे विच कोशिश करांगे कि काफ़ी क्वेश्चन करिए पॉज करांगा मैं वीडियो नू ते बाकी देखते हैं किन्ने टाइम की वीडियो बना पाने आप। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन स्क्रीन के उत्ते क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह बिल्कुल स्क्रीन के उत्ते थोड़े शो हो रहा है देखो। तो क्वेश्चन के विच पूछा की है हाउ मैनी डॉट्स आर कंटेनड ऑन द फेसिस ओपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स। तो मतलब ये पूछा है कि जिहड़े डाइस के उत्ते 4 डॉट्स ने हाउ मैनी डॉट्स आर कंटेनड ऑन द फेस ओपोजिट टू दैट कंटेनिंग 4 डॉट्स। तो इस दे विच ये क्या है जो जिहड़ा ओपोजिट फेस है 4 डॉट्स के उसके उत्ते किन्ने डॉट ने। सिंपल जी गल है कि 4 के ओपोजिट अपन पूछा हुआ है की है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नू। देखो 5 इस दे विच कॉमन मिल जाएगा इतने 5 कॉमन है इतने भी थोड़े को 5 कॉमन है। इस तो बिना इदा कह सकते हो कि 1 भी कॉमन है। देखो 1 इतने भी कॉमन है तो 1 इस दे विच भी कॉमन है। तो जिहड़े दूसरे ने देखो 4 ते 2 1 दूसरे जो 2 कॉमन मिल गए देखो 5 कॉमन मिल गया प्लस 1 कॉमन मिल गया। जो 2 कॉमन मिल गए ने तो जिहड़ा बाकी बचेगा वो एक दूसरे के ओपोजिट होगा। मतलब 4 किस दे ओपोजिट हो गया 4 ओपोजिट हो गया जी 2 दे। तो सिंपल जी गल अपन क्वेश्चन दे विच यही पूछी हुई है। देखो 4 डॉट्स के बारे पूछा हुआ है कि जो 4 डॉट्स होणगे
4 डॉट्स दे ओपोजिट जेड़ा फेस होएगा उस दे उत्ते किन्ने डॉट होणगे, ता इत्थे जदों 4 डॉट्स आणगे ता 4 डॉट्स दे ओपोजिट 2 नंबर आएगा, ता आम जी गल है कि अगर 4 नूं रिप्रेजेंट करन लई 4 डॉट्स लगे ने ता 2 नूं रिप्रेजेंट करन लई 2 डॉट्स लगणगे, ता इस क्वेश्चन दा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। सो 7वां क्वेश्चन जेड़ा है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तुसीं नोट डाउन कर सकते हो किते नोटबुक दे विच, जेकर करना चाहो ता नोट डाउन भी क्वेश्चनस नूं कर सकते हो। थोड़े जे ईजी लैवल दे क्वेश्चनस लग रहे होणगे, हौली हौली अपना लैवल नूं चेंज करांगे। क्वेश्चन नंबर 8 दी गल करदे हां। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ी स्क्रीन दे उत्ते है कि बिलो आर द 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस, फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस ओपोजिट टू द फेस विद 1 डॉट। ता एक डॉट दे नाल जिहड़ा एक डॉट दे नाल जिहड़ी ओह बनेगा थोड़ा एक दे ओपोजिट केड़ा आएगा। सो अपां नूं इत्थों कोई भी 2 फिगर्स भी ले सकते हैं, अगर 2 फिगर्स लेके अपनी गल बनती है तो इत्थे देखो 5 है इत्थे 2 है, या इदां करदे हां कॉमन ले लैंदे हां, इत्थे 1 ते 2 है। देखो पहलियां 2 फिगर्स दे विच 1 भी कॉमन है, देखो 1 कॉमन है, इत्थे भी 1 कॉमन है 1 डॉट, उस तो बाद इत्थे 5 डॉट ने, इत्थे भी सॉरी इत्थे 2 डॉट ने ते दूसरे दे फिगर दे विच भी 2 डॉट ने। तो मतलब इतों पहलियाँ 2 फिगरस के 2 चीज़ा कॉमन हो गई, 2 फेस कॉमन हो गए, तो मतलब 3 के ओपोजिट की आ गया, देखो 3 के ओपोजिट आ गया जी 5, 3 के ओपोजिट 5 आ गया है बिल्कुल। तो फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन फेस ओपोजिट टू द फेस विद 1 डॉट, तो 1 के ओपोजिट अजे अपन बिल्कुल कुछ नहीं पता लग्या। उस तो बाद की गल करते हैं, देखो इस दे विच 5 है, इस दे विच 2 है, ठीक है। अगर आप इन दो नूं लेने आ, मान लो आप नैक्सट 2 लेने आ, तो इस दे विच 5 कॉमन आ गया ते 5 दे नाल 2 कॉमन आ गया, देखो इत्थे भी है इत्थे भी 5 आ गया कॉमन ते 2 कॉमन आ गया, ते मतलब हुण बाकी की बचिया, देखो 1 बचिया ते 6 बचिया, मतलब 1 ते 6 भी एक दूजे दे की ने ओपोजिट ने। देखो हर चीज़ का कंसैप्ट है, पहले 2 कॉमन लेने हो, पहले 2 फिगर्स लेने हो, तो 2 कॉमन किहड़े मिल जाते हैं 2 एंड 1, तो बाकी जो बचेगा 3 एंड 5, तो 3 एंड 5 एक दूसरे के ओपोजिट हो गए। उस तो नैक्सट फिगर की गल करते हैं, जेकर तुसी नैक्सट 2 लेने हो तो 5 एंड 2, इस दे विच भी 5 एंड 2 कॉमन है, इतों की प्रूव हो गया कि 1 एंड 6 एक दूजे के ओपोजिट ने। हुण बाकी की बचिया है, देखो बाकी बचिया है अपने कोल 3 दे ओपोजिट 5 हो गया, 1 दे ओपोजिट 6 हो गया, तो बाकी जो बचे वह तो 2 ते 4 बचे, मीनस 2 दे ओपोजिट 4 हो गया। सो ये अपने को आ गए रिजल्ट्स, बट हुण आपां ने देखना है क्वेश्चन दे विच की पूछा गया है। देखो क्वेश्चन दे विच पूछा गया है कि जदों हाउ मैनी नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस ओपोजिट टू फेस विद 1 डॉट, तो मतलब जो 1 डॉट आएगा तो उसके ओपोजिट फेस के उत्ते किन्ने डॉट आएंगे। देखो 1 के ओपोजिट 6 है, तो मतलब अगर 1 डॉट के ओपोजिट देखोगे तो किन्ने डॉट्स मिलेंगे, थोनू 6 मिलेगा, तो 6 का मतलब कि 6 डॉट्स मिलेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 6 विल बी द राइट आंसर। सो जेकर वीडियो वधिया लगे तो वीडियो नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करियो। सो 8th क्वेश्चन अपना हो चुका है, गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। नैक्सट क्वेश्चन स्क्रीन के उत्ते आएगा 9th क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन नूं भी देखते हैं। द डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स एंड इट्स 4 डिफरेंट पोजिशन आर शोन बिलो। तो डाइस नूं 4 वारी टॉस किया, 4 डायग्राम गिवन ने, मैनू नहीं लगता इस क्वेश्चन नूं ज़्यादा टाइम लगना चाहिए है, क्योंकि बहुत सारे देखो पोजिशन गिवन ने, बिल्कुल ईजी हो जाता है क्वेश्चन इदा का। सो स्टार्ट करते हैं, पहला पूछा की है फाइंड द नंबर ऑन द फेस ओपोजिट टू द फेस शोइंग 2। तो 2 के ओपोजिट अपन पूछा है, तो एक काम करते हैं कोई भी इतों कॉमन देखते हैं 2 4 6 2 4 6, इतने 2 4 6 देखो 2 ते 4 इस दे विच भी कॉमन है, 2 4 इस दे विच की है 2 4 कॉमन है, तो मतलब 3 दे ओपोजिट 6 आ गया जी। पहली चीज़ पहले 2 डायग्राम्स तो अपन आइडिया लग गया 3 दे ओपोजिट 6 आ गया। नैक्सट गल करते हैं, इतने 4 ते 3 कॉमन है,
इस फिगर के चार से तीन कॉमन है, मतलब अगर आप फिगर नंबर सैकेंड और थर्ड लेने तो इस चार तीन कॉमन है, दो नंबर इस चार तीन कॉमन है, तो इतों आइडिया लग गया कि दो ओपोजिट आ गया जी पाँच। तो बाकी की बचे जी एक चार बचे ने, तो मतलब एक दे ओपोजिट आएगा चार। तो काफ़ी चीज़ा होंदिया ने जो डायग्राम्स, अगर दो तीन डायग्राम गिवन होन, दो तीन की कहने ने इन्हों, दो तीन पोजिशनस गिवन होन क्वेश्चन दियाँ, तो कई बार क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाते हैं। सो इस तरीके थ्री दे ओपोजिट सिक्स आ जाएगा जी, थ्री दे ओपोजिट सिक्स आ जाएगा एक रिजल्ट, टू दे ओपोजिट फाइव आ जाएगा दूसरा रिजल्ट, तो वन दे ओपोजिट फोर आ जाएगा। बट अपन पूछा कि होया है क्वेश्चन के, उस चीज़ में भी अपना फोकस करके रखना है। सो क्वेश्चन के पूछा होया है कि फाइंड द नंबर ऑफ फेस, फाइंड द नंबर ऑन फेस ओपोजिट टू द फेस शोइंग दो। सर जेड़ा नंबर टू शो करेगा टू दे ओपोजिट केड़ा फेस आएगा, सो टू दे ओपोजिट आएगा जी फाइव। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होएगा। यू कैन नोट डाउन द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन विल बी देयर। तो अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर एट नाइन, क्वेश्चन एट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं बच्चे की है। क्वेश्चन नंबर टेन विल बी क्वेश्चन नंबर टेन की गल करते हैं की है। क्वेश्चन के दिता हुआ है कि इफ द टोटल नंब सम ऑफ, देखो ये रेगुलर डाइस की गल कर रहे हैं इतने। इफ द टोटल सम ऑफ नंबरस ऑन ओपोजिट फेसिज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज ऑलवेज सैवन। तो मतलब अगर एक डाइस है, डाइस के ओपोजिट नंबर ने जिदा मान लो छे है, छे के ओपोजिट एक होना चाहिए सीगा, ठीक है। सो उसका सम की है सैवन, हमेशा सैवन आना चाहिए है। इसे नू की कहने ने, इसे नू अगर थोनू मैं पहला दी वीडियो तुसी देखोगे तो इस नू कहंदे ने रेगुलर डाइस। जे दो नंबर दे डाइस दे एक दूसरे दे ओपोजिट जेड़े ने उन्हां दा सम सैवन आ जाए तो उसनू बोलते ने रेगुलर डाइस, जेकर वह सैवन नहीं आता तो उसनू इररेगुलर डाइस बोलिया जाता है। सो पूछा की है इस क्वेश्चन दे विच, आपां नू इस क्वेश्चन दे विच पूछा है फाइंड द फिगर विच इज करैक्ट। तो इन्हां दे विचों करैक्ट फिगर देखो केड़ी है उसके बारे अपन पता करना है, ठीक है। बिल्कुल चेक करते हैं स्टार्टिंग दे विच। देखो इतने छे गिवन है तो छे दे ओपोजिट इतने वन आना चाहिए सीगा ताकि इन्हों का सम की हो जाता सैवन, तो वन बट इतने गिवन है तो ऑप्शन नंबर एक तो की हो गया अपना जी इलीमीनेट, क्योंकि देखो छे दे ओपोजिट एक आना चाहिए सी ता ही सैवन सैवन आता। हूँ इतने देखो छे दे ओपोजिट वन आ गया, मान लो छे दे ओपोजिट वन आ जाएगा तो सम बन जाएगा सम बन जाएगा सत्त, चार दे ओपोजिट इतने तीन आना चाहिए सीगा तो सत्त बनना सी, बट तीन कितने आ गया तीन उपर आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन की हो गया रिजैक्ट। बिल्कुल ध्यान देना समझ लो चीज़ में, कितने कोई रट्टा वाली गल नहीं है। नैक्सट गल करते हैं, देखो इतने की आ गया पांच दे ओपोजिट दो आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने लगी, पांच दे ओपोजिट दो हजे नहीं आया। सो पांच दे ओपोजिट दो आ जाएगा तो सत्त बन जाएगा, वन दे ओपोजिट छे आ जाएगा ता भी सत्त बन जाएगा, तो इतने नीचे थ्री दे ओपोजिट फोर आ जाएगा ता भी गल बन जाएगी। मतलब इस क्वेश्चन इस ऑप्शन के नाल सी ऑप्शन के नाल अपनी गल बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एक बार दोबारा कन्फर्म कर लें क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर नैक्सट पर जाके देखो पांच के ओपोजिट दो आना चाहिए सीगा तो सम सैवन बनना सी, बट दो जिहड़ा है पांच की साइड पर आ गया, पांच के ओपोजिट नहीं आया तो मतलब ए वाला ऑप्शन भी की हो गया रिजैक्ट। सो चार ऑप्शन सी उन्होंने तीन रिजैक्ट हो जाएंगे, तो वैसे भी आप चेक कर चुके हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। एक बार नैक्सट क्वेश्चन के डाइस की कंसट्रक्शन देख लें थोड़ी जी जल्दी नाल। तो डाइस की कंसट्रक्शन देखो, अगर इस तरह डाइस आपां नूं दे दिता जाता है तो वन वन थ्री इस डाइस नूं ओपन करके लिखा हुआ है,
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਡਾਈਸ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੇਸ ਬਣਨਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਈਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ 1 ਅਤੇ 5 ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 6 ਅਤੇ 3 ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2 ਐਂਡ 4 ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 1 ਅਤੇ 5 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, 2 ਐਂਡ 4 ਜਦੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, 6 ਐਂਡ 3 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਟਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਟਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਐਂਡ 5 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ, 3 ਐਂਡ 6 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ 2 ਐਂਡ 4 ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਐਂਡ 4 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਪੈਟਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪੈਟਰਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਥਰਡ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ਤਾਂ 1 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ 1 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 3 ਆਏਗਾ, ਅਤੇ 4 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 6 ਆਏਗਾ, 2 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 5 ਆਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, 1 ਲਾਈਜ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ 3, ਤਾਂ 1 ਲਾਈਜ ਓਪੋਜ਼ਿਟ 3, 2 ਲਾਈਜ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ 5, ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਜੀ 5 ਦੇ, 4 ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ 6 ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਟਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਂਡ 5 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਐਂਡ 4 ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ 3 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪੈਟਰਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਬਟ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਐਂਡ 5 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, 2 ਐਂਡ 4 ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, 3 ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਟੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈਟਰਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1-2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਅਮੰਗ ਦਾ 4 ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਦ ਸਿਮੀਲਰ ਬੋਕਸ ਐਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਫਿਗਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਮੀਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੈਕ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡੋਟ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਈਟ ਆਏਗਾ। ਸੋਰੀ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 1-2-3 ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡੋਟ ਆਏਗਾ ਅਤੇ
एक मिनट जी वेट करते हैं, जो इस फोल्ड करा वाइट के ओपोजिट वाइट आएगा तो एक वाइट के ओपोजिट ब्लैक आएगा। सो इस एक बार कन्फर्म कर लें, सो ब्लैक के ओपोजिट डॉट आएगा पैट एक छड के, तो इतों एक छड के वाइट के ओपोजिट दो एक मिनट इस पैटर्न का आप हमने देखते हैं कि मिलया सी अपन उपर, क्योंकि कई बार की होंगे थोड़ा जा डिफरेंस हो जाता है। पैटर्न नंबर देखो, उसने पैटर्न दे विच थोड़ा जा डिफरेंस दिता होया है, तो इस दे विच थोड़ा जा थोनू ध्यान लगा के चलना पड़ेगा। पैटर्न दे विच की है, जदों आपां इस नू फोल्ड करांगे फिर अपन बिल्कुल क्लीयरली पता लगेगा, क्योंकि देखो ये बिल्कुल इतने डॉट नहीं आ रहा। तो जेकर इस फोल्ड करते हैं, मैं एक बार फोल्ड करन दी इसनू कोशिश देखता हाँ, मान लो मैं इसनू राइट साइड नू फोल्ड किया, तो देखो ये तो एक दूसरे के ओपोजिट ही आएंगे, ये दोनों तो एक दूसरे के ओपोजिट आएंगे। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ओपोजिट आएंगे, तो बाकी वही कहानी है कि वाइट के ओपोजिट ब्लैक आएगा। ठीक है जी, सो हुण क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपने की किया ब्लैक के ओपोजिट डॉट, तो ब्लैक के ओपोजिट डॉट देखो इत्थे दो ब्लैक हैं, तो एक ब्लैक के ओपोजिट डॉट हो सकता सी, एक ब्लैक के ओपोजिट तो डॉट हो सकता सी, बट इत्थे दोनों साइड की है ना, एक ब्लैक इत्थे कवर कर लिया है, एक ब्लैक इत्थे कवर कर लिया। ध्यान देना समझो, एक ब्लैक इत्थे कवर कर लिया, एक ब्लैक इत्थे कवर कर लिया, मतलब इस जिहड़ा उपर डॉट दिता होया है इस दे ओपोजिट ब्लैक नहीं मिल रहा। कंसैप्ट तो देखो क्वेश्चन तो इतें ही खत्म हो गया, आपां एवें टाइम खराब करने हैं। इस ब्लैक दे ओपोजिट डॉट आएगा, हुण सी ऑप्शन दे विच की है, इतें ब्लैक हो गया देखो एक दूसरी साइड ब्लैक हो गया, मीनस डॉट दे ओपोजिट ब्लैक का ऑप्शन ही नहीं बचिया। बाकी क्वेश्चन दे विच देखो इतें एक ब्लैक कवर है, मतलब डॉट के नीचे ब्लैक हो सकता है, एक ऑप्शन है अपने को, इतें भी डॉट के ओपोजिट ब्लैक हो सकता है, इतने डॉट के ओपोजिट ब्लैक हो सकता है, क्योंकि देखो कहानी की है कि आपां केड़ी फिगर नहीं मिल सकती। क्वेश्चन दे विच की पूछा गया है कि केड़ी फिगर है जिहड़ी विच कैन नॉट बी सिमिलर, तो सिमिलर सी ऑप्शन नहीं बनेगा। सी ऑप्शन जिहड़े क्वेश्चन दे विच फिगर गिवन है, सी ऑप्शन उस फिगर तो नहीं बन सकती, या इदा कह सकते हैं कि सी फिगर जिहड़ी है उसके सिमिलर नहीं है, क्योंकि सी दे विच की है दो ब्लैक एक दूसरे के एडजेसेंट ने, तो एक डॉट उपर है, मतलब डॉट के ओपोजिट जो ब्लैक होना चाहिए सीगा वो अपन सी फिगर दे विच नहीं मिल सकता, क्योंकि दो ब्लैक ऑलरेडी यूज किए जा चुके ने। सो इस तरीके क्वेश्चन का तुसी आंसर फाइंड आउट करना है। सो नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, नैक्सट क्वेश्चन की है, राइट साइड की स्क्रीन अपनी ज़्यादा यूज नहीं हो रही अच्छ, उसके नाल कोई किसी ने डाउट प्रॉब्लम नहीं समझनी, राइट साइड के उत्ते आपां ज़्यादा यूज अज स्क्रीन नूं नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्वेश्चन इत्थों ही खत्म हो रहे हैं अपने। सो नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, थोड़ा जहा जूम कर लें, ये किया जा सकता है जूम थोड़ा जहा करके आप क्वेश्चन करिए, सो कंट्रोल प्लस। सैकेंड क्वेश्चन, सैकेंड क्वेश्चन दे विच देखो की पूछा बच्चे आपां नूं पूछा जा रहा है, अमंग द फोर ऑल्टरनेटिवस चूज विच वन कैन बी सिमिलर बॉक्स एज क्वेश्चन गिवन। तो सैकेंड दे विच आपां नूं कह रहा है कि जिस तरीके का क्वेश्चन गिवन है, हाँ जी, जिस तरीके का क्वेश्चन गिवन है केड़ा डाइस उस तो बनाया जा सकता है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखो ये जो फिगर है इत्थे भी इस तरीके नाल शेप बनेगी,
फिर वो एक दूसरे नूं उपर ओवरलैप करनगे। सो ये जिहड़ा ओवरलैप होएगा टॉप दे उत्ते वो किस दे ओपोजिट आएगा, सी दे। इस चीज़ नूं ध्यान नाल समझ लो, जिहड़ी इदां दी फिगर बनेगी मैं इत्थे बना के दिखाना है तुहानूं, इस टाइप की एक फिगर बनेगी टॉप दे उत्ते जदों इस फिगर नूं क्लोज करोगे। बच्चे हर कंसैप्ट नूं ध्यान नाल समझना है, इस तरह की एक फिगर बनेगी टॉप दे उत्ते, ठीक है जी। इत्थे कलर फिल कर लो पूरा ब्लैक, तो नीचे भी ब्लैक कलर जिदा तुहानूं इत्थे दिख रहा है। सो इस फिगर के ओपोजिट आएगा सी। नैक्सट गल करते हैं, नैक्सट की आएगा, नैक्सट आएगा जी बी दे ओपोजिट डी। जदों इसनों क्लोज करांगे फिगर नूं, क्यूब बनावांगे, बी दे ओपोजिट डी आएगा, ए दे ओपोजिट ई आएगा। सो हुण पुछिया की है कि विच वन कैन बी सिमिलर, तो सिमिलर देखो इन्हां दे विच्चों एक ही होएगी, हुण एक ही फिगर जिहड़ी है वह सिमिलर होएगी। देखो इस जिहड़ी ये फिगर बनेगी इसके नीचे सी आ जाएगा, पहला ऑप्शन इलीमीनेट हो जाएगा, पहला ऑप्शन एलीमीनेट हो जाएगा, क्योंकि देखो इस जो डिज़ाइन बनेगा सी तो उसके ओप नीचे है, बिल्कुल सी तो उसके ओपोजिट है। दूसरी गल करते हैं, सी दे नीचे डिज़ाइन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी। ई दे ओपोजिट ए आएगा, ई दे ओपोजिट ए बिल्कुल बन जाएगा, इस साइड ए आ जाएगा। तो डी दे ओपोजिट बी, तो डी दे ओपोजिट बी भी इत्थे बन जाएगा, इत्थे बी बन जाएगा जी, इत्थे ई दे ओपोजिट ए बन जाएगा। सी दे ओपोजिट जिहड़ा डिज़ाइन है वह नीचे आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा जी क्वेश्चन का। बाकी मैं थोनू दस दिना है बाकी ऑप्शन किवें एलीमीनेट हो रहे हैं। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस सैकेंड क्वेश्चन। बाकी ऑप्शन देख लें एलीमीनेट किवें हो रहे हैं। देखो सी ऑप्शन दे विच ए बी एक दो ए दे ओपोजिट की है, ए दे ओपोजिट ई आ जाएगा, ठीक है जी। बी दे ओपोजिट डी आ जाएगा, वह भी बन जाएगा। सी दे नीचे बिल्कुल डिज़ाइन आ जाएगा। सो ए दे ओपोजिट ई, ए दे ओपोजिट ई इस ऑप्शन दे विच बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, ई आ जाएगा बैक साइड दे उत्ते। सी दे नीचे डिज़ाइन आ जाएगा, तो बी दे ओपोजिट डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर तो सी भी बन रहा है, ऑप्शन नंबर तो सी भी बन रहा है। हाँ डी ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि सी दे साइड ते डिज़ाइन आ गया। सो दो ऑप्शन बन रहे हैं मेरे ख्याल नाल, चैक करो तो सी दे नीचे डिज़ाइन आ जाएगा, बिल्कुल सी दे नीचे डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है जी। सी दे नीचे डिज़ाइन, ई दे ओपोजिट ए, ठीक है जी। डी दे ओपोजिट बी बिल्कुल बन जाएगा। सी दे नीचे डिज़ाइन, ठीक है। ए दे ओपोजिट ई, ठीक है जी। बी दे ओपोजिट डी, बच्चे दो ऑप्शन आंसर बन रहे हैं जी इस क्वेश्चन दे। प्लीज़ मार्क किए जा कि ऑप्शन नंबर बी इज़ ऑलसो राइट, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑलसो राइट। तो सी और डी, सॉरी सी एंड बी दो ऑप्शन आंसर बन रहे हैं, तुसीं एक बार कन्फर्म करना है। मेरे अकॉर्डिंग सी एंड बी दोनों आंसर बन गए, मैं आंसर देखने जावांगा ही नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी कह रहा हाँ कि बुक अच्छी है, बट बुक दे विच की है एरर्स ने या बुक दे विच गलतियां ने, वो चीज़ नूं कहा जा सकता है। सो काफ़ी चीज़ां हुंदियां ने, उन्हां नूं तुसीं नोट डाउन करते रहो। जेकर वीडियो वधिया लगे तो वीडियो नूं लाइक शेयर एंड सबसक्राइब भी कर दिया करो, उहदे नाल की है एक मोटिवेशन जी मिल जाती है आपां नूं कि इन फ्यूचर आपां प्रिपरेशन करनी है, तो इन फ्यूचर आपां होर टॉपिक्स के उत्ते भी वीडियोज़ लेके आनिया ने। सो काफ़ी कई बार मोटिवेशन मिलती है इस चीज़ तो भी। सो गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की, सैकेंड क्वेश्चन अपना हो चुका है, गल करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन दे विच की है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इस दे विच भी बॉक्स ही गिवन ने। देखो डायग्राम बिल्कुल क्लियर करना जरूरी है, आपां थोड़ा जूम कर लेने एक बारी। कह रहा है अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव, अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव
सिमिलर इसके किड़ा बनेगा, ठीक है, इसके सिमिलर पूछा गया है अपन। तो इसके सिमिलर देखो मैं थोनों एक छोटी जी गल दसदा हाँ, इस साइड तो वाइट हो जाएगा, इस साइड तो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, एक दूसरे के ओपोजिट आएंगे। इस साइड तो जो वाइट है एक दूसरे के ओपोजिट आएंगे। तो जोड़ा यह रैक्टेंगल जे वाला डिजाइन है ये एक बार उपर बन जाएगा। सो एक बार उपर कि बनेगा हूँ इस समझते हैं, ये पता की होएगा। देखो इस तरीके एक डिजाइन बनेगा जिहड़ा कि इस तरीके बनेगा, इतों लाइन सेंटर च लाइन आ जाएगी तो यह टॉप के उत्ते डिजाइन बनेगा। सो हूँ आप ऑप्शन से चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन की गल कर रहे हैं आप, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के उत्ते थोड़े आ रहा है, देख सकते हो कि थर्ड क्वेश्चन ये वाला सीगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन पूछा हुआ है कि चारा के केड़ा सिमिलर इसते बन सकता है। सो सिमिलर की गल सी थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के उत्ते सीगा थोड़े को, देख सकते हो ये थर्ड क्वेश्चन सी, फिगर गिवन सी। हूँ आप इसके आंसर के ऑप्शन से चलते हैं। सो ऑप्शन इदा गिवन ने, देखो ऑप्शन गिवन किवें ने कि इस दे उत्ते दो साइड्स एक दूसरे के ओपोजिट वाइट ने, ठीक है, डिजाइन टॉप आ गया, कोई गल नहीं है, बन जाएगा। पहला ऑप्शन बन जाएगा जी, एक मिनट, पहला ऑप्शन बिल्कुल बन जाएगा मेरे ख्याल नाल, पहले ऑप्शन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पहले ऑप्शन दे विच कोई दिक्कत नहीं क्योंकि टॉप के उत्ते डिजाइन ने, बाकी साइड्स खाली सीगियां आपां नूं पता ही है, तीन साइड्स खाली ने, एक साइड डिजाइन आएगा, डिजाइन नीचे आ सकता है, कोई गल नहीं, डिजाइन नीचे आ सकता है या कितने बैक साइड पर भी जा सकता है। सो तीन साइड्स वाइट एक दूसरे के, तीन साइड्स वाइट, एक बार डायग्राम देखिए, मेरे ख्याल नाल ये भी डायग्राम पॉसीबल है, ये डायग्राम पॉसीबल नहीं बनेगा मेरे ख्याल नाल, थर्ड वाला, थर्ड वाला नहीं बनेगा क्योंकि एक डिजाइन इदा का एको ही पासे बनेगा लाइनस, तो यह वाला डिजाइन इतने नहीं आ सकता। सो थर्ड ऑप्शन इलीमीनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर, ये वाला डिजाइन इदा बन जाएगा जी, ये भी बन जाएगा क्योंकि दो साइड खाली ने, एक डिजाइन इदा का बन जाएगा। जरूरी नहीं है डिजाइन क्यूब में इदा ही रखा हो, क्यूब में घुमा दोगे 90 डिग्री का, यह भी डिजाइन बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, एक दो एंड फोर, वन टू एंड फोर। तो जोड़ा सी ऑप्शन है वह क्यों नहीं बन पाया, थर्ड वाला क्यूब क्यों नहीं बन पाया, मैं दोबारा दसागा। देखो पहला ध्यान ना समझो कि वन थ्री एंड फोर तीनों पॉसीबल ने, तीनों बन सकते हैं। हूँ देखो थर्ड क्यों नहीं बनया, अगर तुम उस फिगर में ध्यान ना देखोगे, मैं दोबारा उस फिगर के उत्ते जावगा, दोबारा फिर वापस आने। देखो ए वाली साइड क्लोज हो जाएगी तो ए वाली साइड क्लोज हो जाएगी, मतलब वाइट वाइट एक दूसरे के ओपोजिट, ए वाली साइड क्लोज हो जाएगी, ए वाली साइड क्लोज हो जाएगी, वाइट वाइट एक साइड। जिहड़ी मैं गल कर रहा सीगा टॉप की, तो यह जिहड़ा है यह हाफ जिहड़ा है उपर आएगा, यह फिगर हाफ आएगी, ये फिगर भी हाफ आएगी, मतलब जिहड़ा ए वाला बॉक्स है जिहड़ा आपां सेंटर दे विच कह रहे हैं, इसके बिल्कुल उपर इसके ओपोजिट एक फिगर बनेगी। वह फिगर किवें दी होएगी, इदा का एक स्केयर होएगा, तो स्केयर के एक लाइन इस तरीके लगी होएगी, बट ये फिगर एको ही बनेगी। देखो बाकी पांच फिगर्स जड़िया ने ब्लैंक है, मतलब पांच फिगर्स की ने वाइट ने बिल्कुल, बाकी दियां पांच फिगर्स, मैं रिपीट कर रहा, बाकी दियां जड़िया पांच फिगर्स ने वह की ने ब्लैंक ने, इदा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट ने। तो यही चीज़ में तुम उ नोटिस करना है फिगर के ऑप्शन के, जो तुम ऑप्शन के जाने हो तो देख सकते हो कि इतने दो ब्लैंक ने एक डिजाइन है, ठीक है, इतने तीनों ब्लैंक ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन इस साइड भी आ सकता है, डिजाइन इस साइड भी आ सकता है, डिजाइन नीचे भी आ सकता है। बट इस फिगर के है, इस फिगर के दो डिजाइन गिवन ने, इस फेस के उत्ते भी डिजाइन गिवन है एंड डिजाइन इस फेस के उत्ते भी है, तो डिजाइन दो फेसिस के उत्ते नहीं बन रहा उसके अकॉर्डिंग। सो इस करके ऑप्शन नंबर जिहड़ा है सी या थर्ड फिगर है वो उस जो पुरानी फिगर गिवन है उस तो नहीं बन सकता, ता करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, वन टू एंड फोर ओनली। तो ए वालिया फिगरस वन टू एंड फोर ये जड़िया ने उस
पुरानी फिगर तो जिहड़ी फिगर आपां हुणे देख के हटे आ उस तो बन सकदियां ने, बट ऑप्शन नंबर 3 दे विच जिहड़ी फिगर गिवन है ओह उस फिगर तो नहीं बन सकती। सो इस तरीके नाल अपना यह क्वेश्चन कंप्लीट हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आपां नूं मिल रहा है जी क्वेश्चन नंबर 4। देखो इत्थे की है आपां एक फोल्डिंग या इदां कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर या जिद्दां क्यूब बनता है उसके क्वेश्चन कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे विच चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल तुसीं पैटर्न इस टाइप का पहला भी हुणे आपां रीड करके हटे हैं। सो कंसैप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार तुसीं खुद ट्राई करो उस तो बाद आपां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हैं। अज की वीडियो देखते हैं कितनी देर तक आपां कंटिन्यू कर पाने हैं, उस तो बाद वीडियो नूं अपलोड करांगे ते सवेरे अपना जो है वो टॉपिक चलेगा क्लॉक का। सो अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट विच आर कैन बी द सिमिलर बॉक्सिस एज द क्वेश्चन फिगर, तो इस दे विच चार ऑप्शन दिते हुए ने। थोनों ये पूछा गया है कि इन्होंने चारा दे विचों केड़े सिमिलर ने उस बॉक्स से जिहड़ा कि क्वेश्चन दे विच दिता होया है। देखो क्वेश्चन दे विच उपर फिगर दिती हुई है एक, उस बॉक्स दे सिमिलर अपना देखना है। सो क्वेश्चन नूं स्टार्ट करते हैं, तुसीं एक बार वीडियो नूं पॉज करो ते क्वेश्चन नूं ट्राई करो। चलो जी आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो बच्चे पहला सब तो की है, मैं थोनों दस्या सी एक खाना आपां छड्ड देना है। सो इस ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक आ जाएगा ते इस डॉट दे ओपोजिट यह ब्लैक आ जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो जिहड़ी बाकी साइड के उत्ते फिगर है एक ब्लैंक दे ओपोजिट यह रंबस जी आ जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। डॉट दे ओपोजिट ब्लैक आना चाहिए सीगा, फस्ट फिगर कैंसल, फस्ट ऑप्शन कैंसल। डॉट दे ओपोजिट ब्लैक आना चाहिए सी जी, फस्ट ऑप्शन, सैकेंड ऑप्शन भी कैंसल, सॉरी। डॉट दे ओपोजिट ब्लैक आ जाएगा, डॉट नीचे आ जाएगा, ओके। ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक आ जाएगा तो यह डायमंड दे ओपोजिट भी आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये वाली फिगर बन जाएगी थोड़ी। डॉट दे ओपोजिट ब्लैंक आ गया जी, ठीक है, डॉट दे ओपोजिट ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। वाइट एक साइड आ गया, वाइट के ओपोजिट स्टार आ जाएगा, एक वाइट के ओपोजिट दूसरा वाइट आ जाएगा, फोर्थ फिगर भी पॉसीबल है जी। सो बिल्कुल ध्यान दे नाल तुसी देखना है, स्टैप बाय स्टैप मैं थोनू दस रहा हाँ। देखो फस्ट फिगर तो क्यों नहीं पॉसीबल, क्योंकि डॉट एंड ब्लैक की है एक दूसरे के ओपोजिट होने चाहिए सीगे, बट एक दूसरे के ओपोजिट नहीं ने। सैकेंड फिगर भी इस वजह करके रिजेक्ट हुई क्योंकि इस दे विच भी डॉट एंड ब्लैक एक दूसरे के ओपोजिट नहीं हैं। थर्ड फिगर दे विच देखो डॉट नीचे आ जाएगा, डॉट नीचे आ जाएगा तो ब्लैक है तो डॉट एक दूसरे के ओपोजिट हो जाएंगे। ये डायमंड वाला जो सी रंबस इसके ओपोजिट ब्लैक सीगा तो ब्लैक बैक साइड से आ जाएगा, इस ब्लैक के ओपोजिट भी एक ब्लैक सीगा तो इस ब्लैक ने इस लैफ्ट हैंड साइड से ब्लैंक आ जाएगा, मतलब थर्ड फिगर पॉसीबल है। फोर्थ फिगर दे विच ब्लैक नीचे आ जाएगा, डॉट उपर आ गया, ठीक है जी। इस ब्लैक के ओपोजिट ब्लैक मान लो इत्थे आ गया तो इस ब्लैक के ओपोजिट जिहड़ी रंबस वाली फिगर है वह इत्थे आ गई। सो थर्ड एंड फोर्थ फिगर पॉसीबल है, तो ऑप्शन नंबर थोड़ा डी जो है वो राइट आंसर बनेगा कि थर्ड एंड फोर्थ फिगर आर पॉसीबल फ्रॉम द अबव वन, तो जिहड़ी फिगर उपर दिती हुई है उस तो थर्ड एंड फोर्थ जिहड़ी है फिगरस ने वह पॉसीबल ने। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है राइट आंसर आएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन की गल करा, एक बार तुम इस क्वेश्चन तो क्लीयर कर लो, कित कोई डाउट तो हमें लगता है तो तुम पूछ सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो नैक्सट क्वेश्चन दे विच देखो करना की है, नैक्सट क्वेश्चन स्क्रीन दे उत्ते आ चुका है। अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव
इन्हां दे विच्चों कह रहा है कि एक सिमिलर होएगा बॉक्स दे, ठीक है। सो एक सिमिलर आएगा जी, चैक करते हैं इन्हां दे विच्चों केड़ा सिमिलर बन रहा होएगा। तुसीं वीडियो नूं पॉज़ करके ट्राई कर सकते हो। देखो क्वेश्चन दे विच इसनूं फोल्ड करांगे, पांच दे ओपोजिट आएगा चार, तां ऑप्शन नंबर सी इलिमीनेट कर दिंदे आ, पांच दे ओपोजिट चार आना चाहीदा सी। ते वन दे ओपोजिट आएगा थ्री, वन दे ओपोजिट थ्री आना चाहीदा सीगा। चलो अजे फिलहाल इत्थे तां कोई डायग्राम ही नहीं गिवन, देखो इत्थे तां आपां नूं नंबर ही नहीं गिवन, सो इसनूं तां पता नहीं हुण रिजैक्ट ही करना पएगा जां अक्सैप्ट करना पएगा, ये भी देखने वाली चीज़ होएगी। ते तीन दे ओपोजिट देखो इत्थे कुछ नंबर ही नहीं लिखे हुए तां रिजैक्ट ही किया जाएगा पहला। उस तो बाद गल करते हैं तीन ते चार, तीन ते चार एक दूसरे के साइड ते ने, बट जिहड़ी फिगर इत्थों बनेगी देखो सब तो वड्डी गल की है, सब तो इंपोर्टेंट गल है, जदों तुसीं इसनूं क्लोज करोगे, मैं रिपीट कर रहा जदों तुसीं इसनूं क्लोज करोगे तो जिहड़ी फिगर टू दे ओपोजिट बनेगी उस फिगर नूं ध्यान दे नाल देखो किवें बनेगी। वह इस साइड तो डॉट क्लोज होएगा, मतलब ए वाला क्लोज आएगा इस तरीके नाल, ते इत्थे कलर ब्लैक कर दिंदे आ फिल, सो इस तरीके नाल इत्थे ब्लैक फिल हो जाएगा। देखो ये बहुत ध्यान नाल समझण वाली चीज़ है, बिकॉज इत्थे काफ़ी बच्चे की करते हैं गलती करते हैं तो इत्थे क्वेश्चन दे विच मार्क आ जाते हैं, इत्थे डॉट आएगा, इत्थे ब्लैक कलर का ये शेप बनेगी, ठीक है, जदों ये क्लोज होएगा वन उपर आ ए वाली फिगर दे नाल वन उपर आके क्लोज होएगा। इस तरीके जदों ये इधरों क्लोज होएगा उपर आके वापिस, तो यह डॉट जिहड़ा ने ब्लैक ये इत्थे बनेगा ब्लैक। सो इस तरीके नाल एक फिगर बनेगी, ध्यान दे नाल इस फिगर नूं समझ लेना है। तो यह फिगर देखो कित्थे बन रही है, ये फिगर बन रही है जी ऑप्शन नंबर ए दे विच, ऑप्शन नंबर बी दे विच भी ये फिगर नहीं बन रही, दोनों ब्लैक इकट्ठे नहीं होणगे, दोनों ब्लैक एक दूसरे के ओपोजिट आणगे, सो इस तरीके नाल ऑप्शन नंबर बी भी रिजैक्ट होएगा, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो ए क्यों बन रहा है, एक तो इस दे विच ओपोजिट फिगर सही है, तो वो ओपोजिट किसते आएगी दो दे ओपोजिट आएगी, दो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तीन दे ओपोजिट एक सीगा तो एक पिछे चले जाएगा, चार दे ओपोजिट पांच सीगा तो वह साइड से चले जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर वन विल बी द पॉसीबिलिटी। इस तो बिना ऑप्शन नंबर बी सी डी ए तीनों पॉसीबल नहीं हैं, डी दे विच तो वैसे ही देखो नंबर नहीं लिखे हुए, तो ऑप्शन नंबर बी भी पॉसीबल नहीं है क्योंकि इस दे विच जिहड़ा फ्लो क्लोजिंग तो बाद डिजाइन है वह नहीं मैच हो रहा, प्लस इस दे विच जिहड़ा थर्ड ऑप्शन है वह क्यों रिजैक्ट हो गया, चार ते पांच एक दूसरे के ओपोजिट ने, जबकि इतने चार ते पांच एक दूसरे के एडजेसेंट दिते हुए ने। सो ध्यान दे नाल तुसीं क्वेश्चन्स नूं करना है, किस मैथड नाल करना है वह भी बिल्कुल हर स्टैप बाय स्टैप तुसीं ध्यान रखना है। सो इस तरीके नाल क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इस तरीके नाल तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करना है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स दे विच आपां पूछा गया है कि अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव विच वन कैन बी सिमिलर एज द क्वेश्चन फिगर, तो क्वेश्चन फिगर दे नाल सिमिलर कौन है। देखो इत्थे की है, ये है जी अपना डिवीजन, डिवीजन है प्लस, तो प्लस दे ओपोजिट है मल्टीप्लाई, प्लस दे ओपोजिट देखो मल्टीप्लाई है, माइनस दे ओपोजिट की है, माइनस दे ओपोजिट डिवीजन है। अगर इसनों आप क्लोज करांगे फिर थोनू क्लीयर होएगा, मैं थोनू इतों वर्बली दस रहा हाँ, ब्लैक दे ओपोजिट क्वेश्चन मार्क आएगा, तो पूछे आपां यह है कि कड़ा सिमिलर हो जाएगा, ब्लैक दे ओपोजिट क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बैकसाइड के उत्ते आ जाएगा, क्रॉस दे ओपोजिट अपना आ रहा सी प्लस, क्रॉस दे ओपोजिट प्लस आ जाएगा नीचे, तो इतों जोड़ा है डिवाइड दे माइनस दे माइनस आ जाएगा इस साइड डिवीजन दे नाल, सो ऑप्शन नंबर ए जिहड़ा है बिल्कुल आंसर बन रहा है, सिमिलर पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर बन ही रहा है। रिजैक्ट किहड़ा करना है देख रहे हैं, ब्लैक दे ओपोजिट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ब्लैक दे ओपोजिट क्वेश्चन मार्क इस साइड, प्लस दे ओपोजिट मल्टीप्लाई, तो इतने देखो प्लस एंड मल्टीप्लाई की है एक दूसरे के एडजेसेंट दे दिए गए हैं, मतलब प्लस दे ओपोजिट प्लस से मल्टीप्लाई की ने एक दूसरे के ओपोजिट नहीं ने, नहीं ने, सो ऑप्शन नंबर बी जिहड़ा है वह रिजैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपने को आंसर आ चुका बट मैं रिजैक्ट दस रहा क्यों हो रहे हैं,
सो ऑप्शन नंबर सी की गल करते हैं, सी दे विच माइनस ते डिवाइड एक दूसरे के ओपोजिट होने चाहिए ने, माइनस ते डिवाइड एक दूसरे के ओपोजिट नहीं हैं, दे आर एडजेसेंट, तो ए ऑप्शन नंबर सी भी रिजैक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी की गल करते हैं, प्लस दे ओपोजिट की आएगा मल्टीप्लाई, प्लस दे ओपोजिट मल्टीप्लाई आ जाएगा, बट इतने की है क्वेश्चन मार्क से जोड़ा क्वेश्चन मार्क से ब्लैंक है वो एक दूसरे के ओपोजिट हैं, बट इतने की है क्वेश्चन मार्क एंड ब्लैंक एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, सो ऑप्शन नंबर डी भी इलीमीनेट हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना स्टार्टिंग दे विच ही आंसर पहला ऑप्शन ही अपना आंसर बन गया सीगा, बट जिहड़े ऑप्शन से रिजैक्ट हो रहे हैं मैं उन्होंने दस रहा हाँ कि वह क्यों रिजैक्ट हो रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर छे अपना कंप्लीट हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर सैवन की गल करते हैं, अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव विच वन कैनॉट बी सिमिलर बॉक्स एज क्वेश्चन बॉक्स, तो क्वेश्चन बॉक्स के नाल पूछा है कि किहड़ा सिमिलर नहीं है, मतलब इन दे विचों तीन सिमिलर होणगे एक सिमिलर नहीं होएगा, तो उस जिहड़ा सिमिलर नहीं है उसनू फाइंड आउट करना है। सो इतों चैक करते हैं, वन दे ओपोजिट टू आ जाएगा, वन दे ओपोजिट टू आ जाएगा, ए दे ओपोजिट बी आ जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क के ओपोजिट डिवाइड वाला यह सिंबल आ जाएगा। ठीक है जी, सो इन्ना कंसैप्ट पहला क्लीयर कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस दे विच फोल्ड करके तुसी अंदाजा लगा सकते हो, अगर तुसी इस फिगर नू फोल्ड करोगे तो वन दे ओपोजिट टू आ जाएगा, ए दे ओपोजिट बी आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के ओपोजिट डिवाइड वाला सिंबल आ जाएगा। हुण पूछा है कि विच अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव विच वन कैनॉट बी सिमिलर बॉक्स एज द क्वेश्चन फिगर, तो क्वेश्चन फिगर यह हो गई है जी कि इसके सिमिलर नहीं है देखना है, तो क्वेश्चन मार्क के नाल डिवाइड आ जाएगा बैक साइड से, ठीक है, वन दे ओपोजिट टू आ जाएगा नीचे, ठीक है जी, ए दे ओपोजिट बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तो बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी से चलते हैं, क्वेश्चन मार्क के ओपोजिट डिवाइड का सिंबल, ऑप्शन नंबर बी नहीं बन रहा क्योंकि इतने की है क्वेश्चन मार्क एंड डिवाइड एक दूसरे के ओपोजिट होने चाहिए सी, बट इतने एडजेसेंट गिवन ने। सी ऑप्शन की गल करते हैं, एक ऑप्शन वैसे मिल चुका है, एक ही आपको फाइंड करना है, ए दे नीचे बी बन जाएगा नीचे इतने इस साइड, दो दे ओपोजिट एक बन जाएगा, तो डिवाइड दे ओपोजिट क्वेश्चन मार्क बन जाएगा इस साइड, तो सी भी बन रहा है, डिवाइड दे ओपोजिट क्वेश्चन मार्क नीचे आ जाएगा, ए दे इस साइड बैक साइड बी आ जाएगा, तो वन दे ओपोजिट टू आ जाएगा, सो डी भी बन रहा है, बट ऑप्शन नंबर जिहड़ा बी है वह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा। सो तुसीं फाइंड आउट करना सी किहड़ा सिमिलर नहीं बनेगा विच किहड़ा बॉक्स नहीं बनेगा, तो बी जो है वह राइट आंसर होएगा इस क्वेश्चन का। सो क्वेश्चन नंबर सैवन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सैवन, क्वेश्चन नंबर सत्त का बी राइट आंसर होएगा। सो इस तरीके क्वेश्चन नू करना है। सो नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, नैक्सट क्वेश्चन ए दे ओपोजिट बी आएगा फोल्ड करांगे, सी दे ओपोजिट डी आएगा, ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक आएगा, मतलब खाली स्पेस है तक उसके ओपोजिट खाली आएगा। सो हुण अपन पूछा की है, अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव विच आर कैनॉट बी सिमिलर बॉक्स, तो सिमिलर किहड़े नहीं हैं वो फाइंड आउट करना है, ए दे ओपोजिट बी, सी दे ओपोजिट डी, ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक। सो चलते हैं जी ऑप्शन के उत्ते, ऑप्शन देखो जी की ने, ए दे ओपोजिट बी बन जाएगा नीचे, सी दे ओपोजिट डी बन जाएगा पिछे, ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बन जाएगा, ए नीचे आ जाएगा बी उपर है, ए दे ओपोजिट बी, सी इस साइड आ जाएगा लैफ्ट साइड, सी दे ओपोजिट डी, ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी भी बन जाएगा। सी ऑप्शन की गल करते हैं, इस दे विच ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक होना चाहिए सी, बट ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक नहीं है, एडजेसेंट दिते हुए है, सी ऑप्शन नहीं बन पाएगा। बी दे ओपोजिट ए नीचे, सी दे ओपोजिट डी राइट साइड से, ठीक है जी, ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक, ऑप्शन नंबर डी भी बन जाएगा, दैट मीनस ए बी एंड डी, अपन पूछा की है, एक मिनट वेट करो, बी दे ओपोजिट ए दे ओपोजिट, बी दे ओपोजिट ए आ जाएगा, सी दे ओपोजिट डी आ जाएगा,
तो ब्लैंक के ओपोजिट ब्लैंक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो बन रहा है, देखो ए भी बन रहा, ए दे नीचे बी, सी दे डी, ते ब्लैंक दे ब्लैंक। ठीक है जी, बी डी, एक बार दोबारा चेक कर लें आप क्वेश्चन नू। ए ओपोजिट बी, बी दे ओपोजिट सॉरी सी दे ओपोजिट डी, ते ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक, बिल्कुल ठीक है। केड़ा नहीं बनेगा, विच कैनॉट बी द सिमिलर बॉक्स, तो एट्थ दे विच सिमिलर बॉक्स केड़ा नहीं बनेगा वो पूछा है अपन। सिमिलर तो देखो फिर अपने को सी ऑप्शन नहीं बन रहा, बी एंड सी। चलो एक बार चेक कर लेने, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन के जोड़े ने कन्फ्यूजन की हुई है। देखो मैं पहला भी गया से आंसर के ए नीचे बी आ जाएगा, बिल्कुल नीचे आ सकता है, इतने बी ए नीचे, ए ओपोजिट बी आ जाएगा, सी दे ओपोजिट डी भी आ जाएगा, ए फिगर तो पॉसीबल है। देखो तो ऑप्शन नंबर ए तो हट गया, ओनली ए, ओनली बी, बी बारे देखते हैं। नीचे ए आ जाएगा, उपर बी आ जाएगा, ठीक है जी, साइड ते सी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्लैंक के ओपोजिट ब्लैंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बी भी बन रहा है मेरे ख्याल नाल, तो ब्लैंक के ओपोजिट ब्लैंक आ रहा है, सी ऑप्शन नहीं बन रहा, तो सी जिहड़ा है वह आंसर बनेगा। सिर्फ ए इत्थे बन जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए दे ओपोजिट बी आ जाएगा, तो सी दे ओपोजिट डी बैक साइड आ जाएगा। देखो जी मैं जो बिल्कुल इतों कंकलूड कर रहा है, ए फिगर भी पॉसीबल बन जाएगी, बी फिगर भी पॉसीबल बन जाएगी, तो सी फिगर सॉरी सी फिगर नहीं बनेगी, डी फिगर भी पॉसीबल बन जाएगी। सो इतों जिहड़ा मेरे अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए है, मेरे अकॉर्डिंग तो सी ओनली बनना चाहिए है, क्योंकि सी जो है वह पॉसीबल नहीं है। सो बट इन्होंने ऑप्शनस के थोड़े जे इदा दिते हुए हैं ऑप्शनस, सो इन बारे कुछ मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल नाल सी ओनली आंसर आएगा, कि जो फिगर नंबर सी है, जो थर्ड फिगर दिती हुई है, वह तुसी उस फिगर तो नहीं बना सकते। नैक्सट गल करते हैं, नैक्सट की है देखो नाइनथ क्वेश्चन, इस तो बिना आई थिंक किन्ने क्वेश्चन ने, ठीक है जी। सो इस तरीके आप क्वेश्चन खत्म करा, दो क्वेश्चन ही बाकी बचे ने अपने को, स्टार्ट करते हैं। अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव विच वन कैन बी द सिमिलर बॉक्स, तो इन्होंने सिमिलर पता करना है कि किड़ा सिमिलर बॉक्स बनेगा जो फिगर गिवन है। देखो ये जो बॉक्स है इसके ओपोजिट की आएगा, जदों ये उपर इस क्लोज करा, जदों इस क्लोज करा तो अपने को उपर एक फिगर बनेगी, जिस दे विच की आएगा इत्थे एक साइड माइनस आएगा तो दूसरी साइड प्लस आएगा। ये फिगर किस दे ओपोजिट होएगी, यह जो ये बॉक्स है सेंटर वाला बॉक्स है, इस दे विच ए वाली फिगर है, यह जो फिगर है इसके ओपोजिट आएगा, यह जो फिगर बनाई है अपना। बाकी जो ब्लैंक है, ब्लैंक ब्लैंक दे ओपोजिट आ जाएगा, तो इक्वल इक्वल दे ओपोजिट आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नू, क्वेश्चन दे विच की है ऑप्शन नंबर एक, इस फिगर दे ओपोजिट डिजाइन आएगा नैगेटिव पॉजिटिव दा, तो यह नैगेटिव इत्थे नहीं आ सकता, जिहड़ा नैगेटिव इत्थे दिता होया है यह नैगेटिव इत्थे तो आ ही नहीं सकता किसी तरीके नाल, सो यह ऑप्शन रिजैक्ट हो गया। इस दी गल करते हैं, ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक सीगा, सो ब्लैंक दे ओपोजिट ब्लैंक नहीं है, ये एडजेसेंट है, सो ब्लैंक के ओपोजिट ब्लैंक प्लस इन्हों का नैगेटिव साइन, देखो नैगेटिव साइन भी गलत जा रहा है, सो बी भी नहीं है। सो नैक्सट गल करते हैं, इतने देखो इस फिगर के ओपोजिट प्लस माइनस दिता होया है, इसते एडजेसेंट देता है, बट एडजेसेंट नहीं है, इसते ओपोजिट आएगा यह जो इस क्लोज करा, तो सी ऑप्शन भी रिजैक्ट हो जाएगा। फिर एक ही ऑप्शन बचेगा नैगेटिव, नैगेटिव इतने इतने भी थोड़ी जी दिक्कत है, इतने इक्वल टू आना चाहिए है मेरे ख्याल, बट इक्वल टू तो एक दूसरे के ओपोजिट हो ही नहीं सकते,
सो जां इत्थे ब्लैंक आएगा, कुछ ना कुछ इदां आना चाहिदा सीगा, जां इत्थे इक्वल टू भी एक दूसरे दे ओपोजिट ने, सो इत्थे ब्लैंक ही आना चाहिदा है ऑप्शन नंबर, तां डी आंसर बनेगा। अदरवाइज अगर इत्थे नैगेटिव नैगेटिव लिख दे फिर तो आंसर नहीं बन पाएगा क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी कितना कितने डाउटफुल रहा, बट कंसैप्ट आपां क्लीयर कर लिया है। मैं तुहानू दोबारा दस दिना है, ये जिहड़े इक्वल ने दोवें एक दूजे के ओपोजिट ने, जिहड़ा ये ब्लैंक है ये भी दूसरे ब्लैंक के नाल ओपोजिट है, तो जिहड़ा ये सेंटर वाला फिगर है इसके ओपोजिट एक फिगर बनेगी नैगेटिव एंड इस प्लस, अद्धी फिगर ए प्लस की बनेगी, अद्धी फिगर माइनस की बनेगी, तो इस सिंबल दे नाल उसनू डिनोट करांगे। यह फिगर जिहड़ी है ये प्लस, ये जिहड़ा रैक्टेंगल आएगी इसके ओपोजिट आ रही है। तो मैं एक बार दोबारा चैक कर लैंदा हाँ, रैक्टेंगल के ओपोजिट बना दिंदे हां आपां डिजाइन, बट नैगेटिव इत्थे आ जाएगा। सो इस दे विच भी कितना ना कितना आंसर दे विच थोड़ी जी दिक्कत रही है, टाइपिंग दे विच या प्रिंटिंग दे विच थोड़ी जी कुछ मिसटेक्स सन। नैक्सट गल करते हैं जी, अमंग द फोर ऑल्टरनेटिव विच कैनॉट बी द सिमिलर, तो इन्हों दे विचों भी यही पता करना है कि कीड़ी सिमिलर नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए, तो अपना आप वीडियो नू फिर एंड करिए। सो टू दे ओपोजिट फोर, थ्री दे ओपोजिट फाइव, तो इस ट्रैंगल दे ओपोजिट ब्लैक। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फिर देखते हैं। टू दे ओपोजिट फोर, ठीक है, बैक साइड से फोर आ जाएगा। ट्रैंगल दे ओपोजिट ब्लैंक, ठीक है जी। थ्री दे ओपोजिट फाइव, पहली फिगर तो बन जाएगी, पहली फिगर तो बन जाएगी, बट आप पता की करना है कि नहीं बनेगी, पहली तो बन गई फिगर अपनी। डिजाइन के ओपोजिट ब्लैंक नीचे आ जाएगा, दो दे ओपोजिट चार आना चाहिए इस साइड आ जाएगा, तीन दे ओपोजिट पाँच आना चाहिए इस साइड आ जाएगा, बी फिगर भी बन जाएगी। थर्ड फिगर की गल करते हैं, डिजाइन के नीचे ब्लैंक, दो दे ओपोजिट चार, तीन दे ओपोजिट पाँच, सी भी बन जाएगा। सो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होएगा। हूँ चैक करते हैं, ब्लैंक के नीचे सॉरी डिजाइन के नीचे ब्लैंक बिल्कुल बन जाएगा, चार दे ओपोजिट दो बिल्कुल बन जाएगा, पाँच दे ओपोजिट तीन बनता ये भी जाएगा। सो हूँ मैं थोड़ा आंसर से लेके जाना हाँ कि आंसर के इन्होंने की किया हो, क्योंकि देखो इन्होंने तो बिल्कुल ही आंसर मैच नहीं कर रहे। सो आंसर के उत्ते चलते हैं, ठीक है जी। हूँ जे आप देख ही लगे हाँ, सो आंसर के उत्ते भी चलते हैं। एक बार मैं थोड़ा आंसर इन्होंने दिखाना हाँ कि इन्होंने आंसर किमें जस्टिफाई किया है, वह देखने वाली गल है। हूँ क्वेश्चन नंबर 10 से ही चलेंगे डायरैक्टली, तो क्वेश्चन नंबर 10 के उत्ते जा रहे हैं जी। देखो सीधा इन ऑप्शन सी, टू एंड फाइव आर एडजेसेंट टू द वाइडर पोर्शन साइड ऑफ द हाफ शेडेड फेस, बट इन द ऑप्शन टू इज अटैच्ड विद द डार्कर साइड विच कैन नॉट बी पॉसीबल। तो दसवें क्वेश्चन के छोटा जा कंसैप्ट लभ रहे हैं, इन्होंने लभ्या है, ठीक है ठीक है ठीक है। दो दे नाल कंसैप्ट लभ्या है इन्होंने, देखो दो दे नाल जो है ये ओपोजिट आएगा फेस, जो भी ये क्लोज होएगा ਤਾਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਿੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਫਿਰ ਨਾਈਨਥ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆਏਗੀ। ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ, ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲੈਂਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏਗਾ ਇਸ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਈਨਥ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਐਗਰੀ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9,
फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव इट इज़ वेरी ईजी टू रिकोगनाइज ऑप्शन ए एज इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ द डाइस फॉरमेशन. नाइन्थ द ऑप्शन नंबर ए दिता होया है ए फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव इट इज़ वेरी ईजी टू रिकोगनाइज ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए देखते हैं नाइन्थ का की है. नाइन्थ का ऑप्शन ए की है ठीक है सिमिलर पूछा होया है बट ऑप्शन नंबर ए तो आंसर बन नहीं रहा ना. ऑप्शन नंबर ए तो आंसर बिल्कुल ही नहीं बन रहा. इक्वल भी एक दूसरे के ओपोजिट नहीं आ रहे. चलो इतने मैं नहीं लग रहा पिछले क्वेश्चन के मैं मानता हाँ कि थोड़ी जी गुंजाइश सी जो पिछला क्वेश्चन आप बट आई डोंट थिंक कि इतने क्वेश्चन नंबर 9 के कोई प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 9 के मैं क्वेश्चन ही थोड़ा दसिया कि क्वेश्चन के दिक्कत लगी है सो कोई भी आंसर उस नहीं बन पाया. तो बाकी क्वेश्चन आप ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन किए ने अज की वीडियो के तो जेकर वीडियो वधिया लगे तो बेनीफिट होए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो. बाकी होर भी डाइस के नाल रिलेटेड कोई कभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कल एक दो दिन के दोबारा डिस्कस करांगे. सो इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं तो डाइस नू ओपन करके मैं एक बार दोबारा स्क्रॉल कर रहा हाँ. पैटर्नस तुसी देख सकते हो पॉज करके. पैटर्न 4 फिर पैटर्न 3 सीगा ते जिथे भी थोनू लगता है पैटर्न नंबर 2 फिर पैटर्न नंबर 1 बॉक्स या डाइस की कंस्ट्रक्शन के उपर बेस्ड ये क्वेश्चन सीगे तो तुसी पॉज करके ट्राई कर सकते हो. जेकर थोनू इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो तुसी PDF की रिक्वायरमेंट लई मैनू मैसेज भी कर सकते हो. उस तो पहले आप 10 क्वेश्चन किए थे तो तकरीबन इस वीडियो के आप 20 के अबाउट क्वेश्चन कर चुके हैं. सो अज का टॉपिक जो सी अपना सीगा वो डाइस. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जेकर वीडियो वधिया लगे तो लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर कर दिओ. धन्यवाद जी. थैंक यू नाइस डे. वाहेगुरू सारयां नू खुश रखे.